लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के जमानत याचिका पे अब 11 दिसंबर को सुनवाई होनी है। इन सब के बीच आपको बता दें कि जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने फिर से एक बार लालू यादव पे अटैक किया है। उन्होंने लालू प्रसाद यादव को घेरते हुए कहा, लालू प्रसाद यादव के इलाज को 2 साल हो चुके हैं, लेकिन लालू यादव कभी भी ठीक क्यों नहीं हो पा रहे हैं। नीरज कुमार ने सीधे कोर्ट से यह अपील की है कि लालू प्रसाद यादव को कोई भी पेइंग वार्ड नहीं, बल्कि उन्हें सीधे तिहार भेजा जाए। आप खुद सुनिए नीरज कुमार का क्या कुछ कहना है। कैसा निजी? 420 का आरोप निजी होता है, ये कानूनी दस्तावेज है। SC ST एक्ट का निजी दस्तावेज है। हमने ये कहा, निजी का मामला ये हमने कहा कि माननीय राबड़ी देवी जी, आप राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सेलार कला गाँव में अगर राबड़ी देवी उच्च विद्यालय बनाया तो भवन हमने बनाया, 16 कमरे का हमने बनाया, नौकरियां हमने दी। हमने ये कहा कि हमने किसी का जमीन नहीं लिखवाया, समाज के सारे तबके को आपको मौका मिला तो वेबसाइट मैंने जारी किया है, फुलवरिया से होटवार तक किसको देखना है, कौन कौन दान पुण्य में भाग लिए हैं, उस सबका दस्तावेज है। ये निजी हमला किसा है, ये राजनीतिक हमला है। ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, कानून तोड़ना इनकी इनके सगल में। अब 2018 में आप कल्पना करिए इसकी क्या हो रहा है इस देश के अंदर में और राज्य में। 2018 में डॉक्टर का एक पैनल बना लालू जी के इलाज के लिए, 13 रोग से ग्रसित पाया गया इनको, टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन, पेरिनियल एक्सेस, किडनी इंजूरी, बहुत सारा रोग है। और 2020 तक इलाज नहीं हो रहा है, ये कैसा इलाज है भाई? इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि भाई आप इनको तिहाड़ भेजिए ना, ये अगर गंभीर रोग से ग्रसित हैं तो आप इनको पेइंग वार्ड में क्यों भेज रहे हैं? ये तो गुनाह है। कोई भ्रष्टाचार के मामले में सजा याफ्ता रहेगा, कोई गुनाहगार रहेगा और उसको राजनीति में सहवाला बना के रखेंगे हेमंत सोरेन जी? ये सवाल तो निश्चित रूप से मौजूद है। इसलिए सेवादार कौन है? सेवा करा रहे हैं, राजकोष का खजाना डकार के संपत्ति बना लिए, और सेवादार चाहिए कि जेल मैनुअल की किस धारा के तहत सेवादार मिला बाहर का आदमी? नियम है, ग्रेड 1 का कैदी जब रहेगा, विचाराधीन कैदी उसका सेवादार होगा, तो माल हजम करिएगा, सेवादार बनाइएगा। जैसा कि आपने सुना, नीरज कुमार ने लालू प्रसाद यादव पर तंज कसते हुए कहा, लालू प्रसाद यादव एक भ्रष्टाचार के आरोपी है, लेकिन वहां की सरकार उनकी मदद कर रही है और लालू यादव आज भी काफी अच्छे से रह रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि कोई भी भ्रष्टाचार के आरोपी को इस तरह से ट्रीटमेंट क्यों मिलना चाहिए जबकि वो एक आरोपी है। तो आपको बता दें, इन सब के बीच जो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें हैं वो भी काफ़ी बढ़ते चली जा रही है। पटना के निगरानी थाने में भी लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया गया। तो इन सब को लेकर अब हम आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार की जो राजनीति है वो भी इन सब चीज़ों पर काफ़ी गरमा चुकी है। और ऐसे ही तमाम अपडेट्स आपको HS बिहार देते रहेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।